चलिए अब सीधे रुख करेंगे देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो कि 22वीं उत्तराखंड राज्य जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में शामिल हुए। मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथिगण, सभी पदाधिकारीगण और विभिन्न विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी महानुभाव, और जिनके निमित्त आज ये इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस खेल के शुभारंभ होने पर, बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ होने पर आप सबको अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। खेल विभाग के सहयोग से स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी खिलाड़ियों के बीच में आकर निश्चित रूप से एक अलग प्रकार की ऊर्जा से मैं प्रेरित होता हूं। और जब भी पिछले वर्ष भी मैं आया था और आप सबके बीच में आया तो एक अलग प्रकार की एक खुशी होती है, प्रसन्नता होती है आप सबकी ऊर्जा देखकर, आप सबको खेलते हुए देखकर। साथियों, बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में आज उत्तराखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है, और अल्मोड़ा से आने वाले हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी लक्ष्य सेन कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक जीतने के साथ ही प्रदेश व देश का लगातार नाम रोशन कर रहे हैं, और पेरिस ओलंपिक में भी प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी अमित सिन्हा जी बता रहे थे कि इस बार उन्होंने हमारे राज्य से ही जो है अपना नाम दिया है, तो इसके लिए मैं विशेष रूप से, और जो हमारे चार अन्य खिलाड़ी भी हम सबके बीच में से वहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। लक्ष्य के बड़े भाई चिराग ने भी इस वर्ष का सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतकर निश्चित रूप से उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही अदिति भट्ट, ध्रुव रावत, मनसा रावत, गायत्री रावत, ध्रुव नेगी, अंश नेगी, अभिनव कंडारी, आन्या बिष्ट एवं एंजल पुनेरा जैसे अनेक खिलाड़ी जो बैडमिंटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में उत्तराखंड का नाम आज पूरे देश के अंदर बढ़ा रहे हैं, हमारा परचम लहरा रहे हैं। पहले के समय में खेल के अवसर और उसकी जो सुविधाएं थी वो बहुत सीमित थी, लेकिन आज आपके पास पहले से बेहतर संसाधन और उपलब्ध अवसर हैं, इसलिए आप अपने प्रयासों को, मैं यही कहूँगा कि आप अपने प्रयासों को जारी रखें, अपने प्रयास करते रहिए, लगातार उसके लिए अपने आप को लगाते रहिए, और धुन के साथ एक मैं कहूँ कि लगातार जो कभी न थकने वाला ऐसा मन मस्तिष्क बनाकर आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको सफलताएं मिलेंगी। और इस प्रकार की जो जीवन के अनुशासन हैं, जीवन के प्रति एक लगन है, खेल के प्रति लगन है, वह आपको बहुत ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहा है। एक समय था कि जो बहुत प्रतिभावान होते थे उनको मौका नहीं मिलता था, आज जिस प्रकार से चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको हर तरह से टीम जीतती है तो भी प्रोत्साहित करने का काम होता है, और हार जाती है तो भी प्रोत्साहित किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू करके भारत में खेलों को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही ओलंपिक में जो बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य रख के टॉप से